जब भी आप कोई आवाज़ उठाते हैं तो वो obviously anything that you say is political. Every person has a voice and every person should use that voice. People should use different platforms. For me it's very important कि पाकिस्तानी सियासत को जितना नज़दीक से जितना करीब से मैंने देखा है, मेरे ख्याल में अगर हम बेहतरी चाहते हैं पाकिस्तान में तो वो तब मुमकिन है जब आपकी 41% यूथ की जो पॉपुलेशन है उसको मौके तो मिले. अगर हमारे बच्चे पहले महफूज नहीं होंगे, अगर उनको साफ़ पीने का पानी नहीं मिलेगा, उनको सेहत नहीं मिलेगी, उनको ज़िंदगी नहीं मिलेगी, तो आपका मुस्तकबिल मुमकिन ही नहीं है. पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है. अगर थरपारकर में हमारे बच्चे इसी तरह मरते रहेंगे, अगर हम ज़र्ब अज़ब ऑपरेशन के बाद 85,000 बच्चे हमारे सड़कों पर रहेंगे और तालीम से महरूम रहेंगे, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो सकता है. इसलिए 41% जो हमारा मुस्तकबिल है उसमें हमें इन्वेस्ट करना है. हमें ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना होगा क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है. आपको मालूम है कि तमाम दुनिया में, US हो, UK हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एजिंग पॉपुलेशन है, हमारे नौजवानों को इम्पोर्ट किया जाता है. हमारे जो ज़हीन नौजवान हैं उनको वहाँ पे दावत दी जाती है, उनको इमिग्रेशन दी जाती है, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम्स हैं. और अफसोस की बात यह है कि हम अपने पाकिस्तानी टैलेंट को रिटेन नहीं कर सकते. सबसे ज़बरदस्त बात पाकिस्तानियों की यह है कि हम जितने भी लग्जरी और कंफर्ट में US, UK या कहीं भी रह रहे हों, हम फिर भी वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं. हालांकि हमें शक की नज़र से देखा जाता है, लेकिन बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मेरे भाई खुसूसी, जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में सेटल होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं. मैं एक आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल हूँ कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फिर भी बहुत ज़बरदस्त जगह है. मैं बहुत खुश हूँ इसी की, चूँकि हमारी जो अवाम है, जो 22 करोड़ अवाम है, वो बहुत ज़बरदस्त है. दैट इज़ व्हाट बिल्ड्स माय फेथ इन पाकिस्तान. सो व्हाट आई एम डूइंग इज रेजिंग अ पॉलिटिकल वॉइस बट नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म. न्यू लेजिस्लेशंस शुड बी, यू नो, एब्सोल्युटली, यू नो, टेकन अपार्ट, यू नो, इन पाकिस्तान, एब्सोल्युटली, इन द गवर्नमेंट. सो it can be done in a better way. Let me explain. Mashroom is basically a three-pronged approach. We call it the AIM. We are talking about making areas, shelters, schools for these abandoned, orphaned, destitute, vulnerable children. But also we're talking about advocacy. शऊर की बात कर रहे हैं हम, बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि ये बात गलत है. किसी बच्चे पे तशद्दुद करना गलत है, किसी बच्चे पे जिंसी तशद्दुद करना बिल्कुल गलत है, और माशरे को उसको बर्दाश्त करना, उसके बारे में खामोशी इख्तियार करना बिल्कुल गुनाह है. ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ है. इसके अलावा हम ये शऊर भी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ज़बरदस्त एजुकेशन दें, तालीम दें, तहफ़्फ़ुज़ दें और किसी और की औलाद से काम कराएं, ये गलत है. ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे सियासतदानों में, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में और हमारे इदारों में. दिस इज़ व्हाट मशरूम इज़ ट्राइंग टू डू. फिर तीसरा जो हमारा स्टेप है वो ये है कि जो मौजूदा कानून हैं, यानी कि आर्टिकल 25A विच मेक्स इट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड, पाकिस्तान इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एनीवन बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 16, द क्राइटेरिया ऑफ अ चाइल्ड. बट क्या हम अपने आईन की जो जिम्मेदारी है निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे. तो मशरूम इज गोइंग टू लॉबी फॉर दैट एंड विल join hands with anyone who's working for children, vulnerable children particularly, ke unke rights jo constitution mein likhe gaye hain, jo United Nations Convention on Child Rights pe aapne ratify ki hui hai treaty, aap constitutionally aur legally bound hain, to uske upar amal kare. Uske baad we will want ki jo qawaneen acche nahi hain unme taramim kare, amend kare. एक सबसे बड़ी बात जो हमने एडवोकेसी की देखी है और लॉबिंग की देखी है कि जब कसूर स्कैंडल हुआ, और आप हमारे मीडिया के ही बहन भाइयों ने इसको हमारे साथ, सिविक सोसाइटी के साथ इसको उभारा, तो आपने देखा कि अगस्त में हुआ तो दिसंबर में एक प्रपोजल पेश किया गया, अप्रैल में सेनेट ने पास कर दिया बिल. ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है. कंप्लीट कामयाबी इसलिए नहीं है क्योंकि स्वात का स्कैंडल आया है, लेकिन वो कानून अभी स्वात में लागू नहीं हो सकता. खैबर पख्तूनख्वा के लिए आपको और पाटा एरियाज़ के लिए आपको सेपरेटली लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी. तो मशरूम और मेरा जो इनिशिएटिव है इज़ अबाउट दैट कि आप कानून जो सही नहीं है उनमें इम्प्रूवमेंट लाइए, जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, और सिविक सोसाइटी को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है टू आस्क फॉर दोज राइट्स जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली वी हैव बीन प्रोवाइडेड. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच. Welcome to Birmingham.